नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं प्याज की खेती कब और कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्याज की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है जो बलुई दोमट मिट्टी इस फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है। प्याज की खेती सर्द और गर्म दोनों जलवायु में की जाती है। प्याज की बुवाई आम तौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है। बीज की बुवाई नर्सरी में की जाती है। एक हेक्टेयर खेत के लिए पौध तैयार करने के लिए 1000 से 1200 वर्ग मीटर में बुवाई की जानी चाहिए। गर्मियों के मौसम के लिए सबसे अच्छी प्याज की किस्म एग्री फाउंड डार्क रेड है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर की दर लगभग 300 क्विंटल की पैदावार देती है। प्याज की फसल के लिए तापमान 30 डिग्री तथा न्यूनतम 15 डिग्री तापमान ही अच्छा होता है। प्याज की खेत की तैयारी और उर्वरक की मात्रा कैसे डालें। प्याज के खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देते हैं, जिसके बाद खेत को कुछ समय तक खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 ट्रॉली गोबर की खाद डालनी चाहिए और खेत की आखिरी जुताई पर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 केजी सल्फर की मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालनी चाहिए। प्याज की रोपाई मेड़ के दोनों तरफ की जाती है। मेड़ पर पौधों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। प्याज की पौधों की सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए और खेत में नमी बनाए रखें, जिससे पौधा सूखे नहीं।